अब खबर बात करते हैं उपचुनाव की, क्योंकि उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि 10 में से 9 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी। एक सीट आरएलडी के खाते में दी गई है, ये सीट है मीरपुर की। कल बैठक हुई है, काफी देर तक मंथन हुआ है। दिल्ली में ये बैठक हुई यूपी उपचुनाव को लेकर, जिसमें जेपी नड्डा के आवास पर पूरा मंथन हुआ है, जिसमें अमित शाह, सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम मौजूद थे। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी बैठक में शामिल हुए। यूपी ही 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर कल मंथन हुआ और ये तय हो गया है कि 10 में से 9 सीटें बीजेपी की सीट है और एक सीट मिली है आरएलडी को। मयूर हमारे साथ बने हुए इस खबर पर भी। मयूर, अब ये तो बिल्कुल पक्का हो गया है कि कम से कम 9 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी, एक आरएलडी। अब देखना होगा कि उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कब होता है। हाँ बिल्कुल, देखिए जेपी नड्डा के साथ दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक हुई भारतीय जनता पार्टी की, भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद रहे और ये फैसला किया गया है कि जो 10 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव उत्तर प्रदेश में होना है, उस पर 9 पर पार्टी सिंबल यानी कि भारतीय जनता पार्टी अपने सिंबल पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। एक मुजफ्फरनगर की जो मीरपुर सीट है, हालांकि पहले भी आरएलडी वहां से जीतती चली आई है, वो आरएलडी को देने का काम किया जाएगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो और सहयोगी दल है, चाहे वो निषाद पार्टी हो या फिर ओम प्रकाश राजभर की पार्टी हो, निषाद पार्टी लगातार 2 सीटों को लेकर अपना दावा पेश कर रही थी कि 2 जगह पर वो चुनाव जो है वो लड़ेगी। पारंपरिक उनकी सीट है, पहले भी प्रदेश में गठबंधन रहे हैं और जिसकी जो सीटें हैं वो उसको देने का काम किया गया है, तो ऐसे में उनको निराशा हाथ नहीं लगेगी। तो उसका भी बंदोबस्त जो है वो किया गया है। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है कि निषाद पार्टी के एक जो उनका उम्मीदवार होगा उसको भारतीय जनता पार्टी के यानी कि कमल के निशान के सिंबल पर उसको चुनाव लड़ाने का काम किया जाएगा। तो 9 सीटों पर जो प्रत्याशियों की लिस्ट थी, 3-3 प्रत्याशियों की लिस्ट यहां से भेजी गई थी कि इन पर चिंतन मंथन करके एक को फाइनल करना है। तो जो जिताऊ कैंडिडेट होगा उसके ऊपर अब जल्द ही मोहर लगेगी और शायद लग भी चुकी हो, और अभी एक क्योंकि इसी महीने के अंत तक जो चुनाव होने हैं उसका ऐलान हो जाएगा। तो ऐसे में जल्द से जल्द अगर कैंडिडेट की घोषणा कर दी जाए तो वो अपनी तैयारियों में लग जाएगा। तो बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप मयूर ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये बात बिल्कुल सही है कि अगर जल्द से जल्द कैंडिडेट का ऐलान हो जाता है तो चुनाव की तैयारियों में ये प्रत्याशी लग जाएंगे। मीरापुर से आरएलडी को एक सीट मिली है, आरएलडी भी पूरी तैयारी करना शुरू कर देगी। लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि आखिरी इस अक्टूबर के आखिरी तक तारीखों का ऐलान हो जाएगा उपचुनाव को लेकर। आगे